मित्रों, आप सभी को आज रविवार की इस गोष्ठी का बहुत बहुत शुभकामना। हम सभी लोग प्रत्येक रविवार को कोशिश करते हैं कि आपसे एक संवाद स्थापित हो सके, आप तक कुछ ऐसे विचार गुरुदेव के पहुँचें जिससे आपका मन सुंदर बने, आपका विचार सुंदर बने। मन को सुंदर बनाना, मन को स्वच्छ रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप एक चीज़ जान जाएं कि मेडिकल साइंस भी आज ये कह रहा है कि आपके शरीर के 90% रोग का कारण मनुष्य का मन है। और हम सभी लोग जानते हैं, कहावत है अपने यहाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमारा मन चंगा मतलब मन शुद्ध होना, अच्छा होना। मन क्या है? मन एक तरह का खेत है। जैसे आप किसी खेत को, किसी जमीन को परती छोड़ दीजिए तो उसमें बहुत सारे जंगल पैदा हो जाएंगे, बहुत सारे खरपतवार पैदा हो जाएंगे। इसलिए हम लोग अपने मन को लगातार निराई गुड़ाई करते रहें जिससे मन का कूड़ा कचरा साफ हो, मन में अनगढ़ विचार नहीं आ पाए, जंगल नहीं आ पाए। तो मन को साफ रखना ये उतना ही आवश्यक है जितना हम सब लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। हम सब लोग नियमित स्नान करते हैं, शरीर साफ होना चाहिए, हर काम कपड़े साफ करते हैं। मन की सफाई उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आपका हमारा जो मन है वो कई बार गंदगी के कारण परेशान हो जाता है। तब आप हमें शिकायत करते हो, अन्य लोगों को भी कहते हो, आप अपने मन में भी चिंतित रहते हो। किसी काम में मन नहीं लगना, पढ़ने में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन नहीं बनना, इसका कारण क्या है? जब आप इसके कारण में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा इसका सबसे बड़ा कारण है आपके मन की गंदगी। अब सारी गंदगी को तो आप रोज साफ कर लेते हो, स्नान कर लेते हो, ब्रश कर लेते हो, लेकिन मन की सफाई ध्यान से और गायत्री मंत्र से ही होता है। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, मन चंगा तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, गुरुदेव की एक किताब है। दूसरी किताब गुरुजी ने लिखा है, मन की प्रचंड शक्ति। ये मन जो है इंसान को वो सब दिला सकता है जो उसकी चाहत हो, लेकिन आपका मन अगर कमजोर हो तो किसी एक चीज पर, एक संकल्प पर वो नहीं टिकता। एक दिन टिका, दो दिन टिका, पांच दिन टिका, तो फिर बदलते रहता है। इसलिए मन को मजबूत करने का सबसे शानदार उपाय है हम अपने को ध्यान से जोड़ें, गायत्री मंत्र से जोड़ें, अच्छे विचार से जोड़ें और मन की सफाई नियमित करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन। अगर हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं होगा तो हम सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो मेंटल बैलेंस कैसे होगा, इसके लिए भी है ध्यान, है पॉजिटिव थॉट, है अच्छे विचार हैं। हमें इन चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। आज के समय में जब आदमी के जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे वो भ्रम का शिकार हो गया है, निराशा का शिकार हो गया है, अब ये भय और निराशा दूर करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? अगर हम अपने अंदर भय को लगातार भयभीत रहने लगेंगे, इससे हमारा सेल डैमेज होगा, हमारा मानसिक शक्ति कमजोर होगा, हम भविष्य में कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर अध्यात्म की आवश्यकता है, गायत्री मंत्र की आवश्यकता है, पॉजिटिव थॉट की आवश्यकता है। और इन चीज़ों को जैसे अभी कोरोना काल में WHO और बहुत सारे मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग बता रहे हैं गर्म पानी पीजिए, फलाना पीजिए, उसी तरह अपने मन को अच्छा बनाने के लिए आप ये संकल्प लें, नियमित ध्यान करें, प्राणायाम करें, गायत्री मंत्र करें, अच्छे विचार से अपना संबंध बना के रखें। ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि अभी आदमी के जीवन में अनिश्चितता का माहौल,
वो चारों तरफ जो उसको दिख रहा है वो एक अनिश्चितता का वातावरण दिख रहा है कि भविष्य में लोगों का क्या हो। एक चीज समझ जाए, परम पूज गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, बेटा आने वाला समय बहुत सुंदर है। तो कोई समय जब अच्छा आने वाला होता है, तो जब कोई बुरा समय जाने वाला होता है तो अपना स्पीड बढ़ा देता है। अंग्रेज को जब जाने का समय आया तो उसने और तानाशाही करना शुरू कर दिया। इसलिए हमें घबराना नहीं है, अपने मन को विचलित नहीं होने देना है। और आप एक चीज समझ लें, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा। किसी ने ये कल्पना किया था क्या कि ऐसा समय आ जाएगा कोरोना में कि सारा चीज बंद हो जाएगा? लेकिन ऐसा समय आया, आने वाला समय बेहतर है। ये आप विश्वास, हमेशा अपने मन को ऑटो सजेशन, बार बार अपने मन को एक बात आप कहते रहें, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है, वो लोग उसमें नहीं फंसना है। आप अपने मन को हमेशा एक सांत्वना दें, एक ऑटो सजेशन दें, बेहतर टाइम आ रहा है, बढ़िया समय आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये ईश्वरीय योजना है, अच्छे समय का आगमन हो रहा है। इसलिए हम सभी लोग, जितने भी भाई जहाँ भी हैं, अगर संभव हो सके तो अभी के समय में कुछ रचनात्मक कार्य से अपने को आप जोड़िए, जिससे आप कुछ अच्छा करने का प्लानिंग करिए। कोई बड़ी योजना नहीं, छोटी छोटी योजनाओं में अपनी भूमिका अदा करिए। गाँव में हैं, अपने घर पर हैं, आप सप्ताह में एक दिन या दो दिन वृक्षारोपण अभियान चलाइए, कुछ वृक्ष लगाइए, कुछ पेड़ पौधे का ये करिए। छोटे छोटे बच्चों को गांव में, आप जैसे पटना में बाल संस्कार शाला चलता था, अगर भी आप भी अपने गांव में है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दूर दूर बच्चों को बैठा के दो दो फीट पर आप उनका पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन बच्चों को आप गायत्री मंत्र सिखा सकते हैं, उनको बहुत सारे अच्छे विचार दे सकते हैं। जो गाँव के कुछ युवा लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, ये करते हैं, उनको आप योग से जोड़ सकते हैं, प्राणायाम से जोड़ सकते हैं, ध्यान का क्लास सुबह में आप लगा सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से आपका भी मनोबल ऊंचा होगा और गांव में एक वातावरण बनेगा। हम और आपके प्रयास से गांव में अगर 5 लोग भी जुड़ गया, उसका लाभ आपको मिलेगा। इसलिए हमें चिंतित और विचलित नहीं होना है। युवा मंडल से जुड़े हैं, गायत्री मंत्र के साधक हैं, तो गायत्री, एक बात समझ लीजिए, गायत्री साधक का कभी विनाश नहीं होता है। और जो सूर्य की उपासना करता है उसके जीवन में अगर कष्ट कभी आते भी हैं तो टकरा के वापस चले जाते हैं। आप चिंतित ना हो, चूंकि आप तो प्रकाश के साधक, आप तो लाइट के साधक हैं, प्रकाश की ध्यान करते हैं, इसलिए आप चिंतित ना हो। जो चिंतित होते हैं उनके प्रभाव में ये उसी तरह का वायरस है जो आपको निराश करने का कोशिश करता है, जैसे कोरोना का वायरस दिखता नहीं है, अटैक कर देता है। निराश करने वाले लोग, हताश करने वाले लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। इन ज्ञानियों से इन दिनों थोड़ा बचने का सतत प्रयास करें। जैसे मुंह पर मास्क लगा के आप चलते हैं ना, इन लोगों के लिए नहीं दिखाई पड़ने वाला मास्क लगा के आप चलें। ये बिन कारण आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपका मन विचलित हो जाएगा, आप और परेशान हो सकता है। वो उस तरह के लोग आपके घर में भी मौजूद हों जो एकदम निगेटिविटी के शिकार हों। और एक बात समझ लीजिए, जो निगेटिविटी का शिकार होता है, नकारात्मकता का शिकार होता है, आप उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा कि आदमी भीतर से परेशान है, हताश है, उदास है। और जो नकारात्मकता को हमेशा दूर हटाते रहता है, साफ करते रहता है, नकारात्मकता आना, मैंने पिछले कई गोष्ठी में भी YouTube के माध्यम से भी आपको बताया कि निगेटिविटी जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आएगा ही, लेकिन उसे हमें टिकने नहीं देना है। जैसे खेत में जंगल किसान क्या करता है, अगर उसको टिकने दे तो मूल फसल को ही समाप्त कर देगा। इसलिए नकारात्मकता को टिकने नहीं देना है, तो नहीं टिकने देने के लिए आप क्या करोगे? किसान क्या करता है, छिड़काव करता है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करो, कुछ किताबों का अध्ययन करो, कुछ अच्छे साहित्य पढ़ो, पॉजिटिव साहित्य पढ़ो। बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं यूट्यूब पर, स्पीच के मोटिवेशनल, उसको आप पढ़ो, उसको सुनो, आपका लाभ मिलेगा। कुछ पुराने संगीत, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, ऐसे संगीत का सहारा, नया वाला संगीत नहीं। नया वाले संगीत में तो आप ये समझ लो कि अगर आप 10% मेंटल हेडेक और नेगेटिविटी के शिकार हो, और ये नया नया वाला सब जो धूमधाम आ गया है, अगर आपने सुन लिया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 90% मानसिक पॉल्यूशन के शिकार आप हो जाओ। पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ,
और इसका प्रयोग करो, ध्यान करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अपने भीतर लगातार एक विश्वास आप जमाओ। ये कहीं से सोचने आने वाला समय बहुत शानदार है, पॉजिटिव है, शानदार है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। 21वीं सदी शानदार सदी होके आ रहा है और अब बहुत सारे चीज बदलने वाले हैं। कौन बड़ा होगा, इसको गांव में लोग संपन्न व्यक्ति, आने वाले दिनों में गुरुजी के सारे फार्मूले लागू होने वाले हैं। बड़ा वो व्यक्ति नहीं होगा जिसका घर बड़ा होगा, बड़ा वो व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास गाड़ी होगा, बड़ा वो व्यक्ति नहीं होगा जो बढ़िया कपड़ा पहनता होगा, बड़ा वो होगा जो भीतर से अच्छा होगा, सच्चा होगा, शानदार होगा। और एक संगीत है शांति कुंज का, पैसे के बदले सदाचार, जब घर घर पूजा जाएगा वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। अब आप पुराने समय के अनुसार अगर आप सोच बना के चलोगे तब तो जब नया जमाना आ जाएगा तो आप घाटे में चले जाओगे। इसलिए अभी अगर आपका पर कोई हंसता भी है, आपको कहता है कि ये तो मूर्ख हो गया है, ये पागल हो गया है, इसको बुद्धि कम है, बिल्कुल कहो साहब हम पागल भी हैं, मूर्ख भी हैं, हमारी बुद्धि भी कम है और आप जैसे विद्वानों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा नहीं उनसे लड़ने लगना है, उनको कहो साहब आप बहुत विद्वान आदमी और आपकी विद्वता कम है और प्रसन्न रहो। इसलिए अध्यात्म इसी का नाम है, स्पिरिचुअलिटी इसी का नाम है। आने वाले समय में सच्चा अध्यात्म आने वाला है। ये जो आजकल जो अध्यात्म चल पड़ा है, भगवान को न जाने किन किन चीज़ों में उलझा के रखने वाला, कि भगवान बेवकूफ है और हम लोग अपने दिमाग से उनको, जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को उलझाए रहते हैं, ऐसे किए रहते हैं, तीन पांच करते हैं, वैसे ही हमने भगवान को, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक सिस्टम का नाम है, एक तरीके का नाम है, भगवान एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है और भगवान एक सिस्टम से चलता है और उन्हीं के, वो अपने द्वारा बनाए हुए सिस्टम पर चलता है। इसलिए हम गायत्री मंत्र का भावपूर्ण उपासना करें, ध्यान करें। एक काम और इन दिनों आप लोग करो, ये जो YouTube चैनल आप देख रहे हो, अधिक से अधिक लोग तक ये कैसे पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसको कैसे जाने, तो आप लोग एक संकल्प ये भी ले लो अभी के समय में कि एक एक आदमी कोशिश करो कि पांच पांच नए लोगों को इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप एक अभियान चलाओ और अधिक से अधिक संख्या में आपका जो ये PYP शांति युवा प्रकोष्ठ बिहार का ये जो चैनल है, इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच कहीं भी जाओ, लोगों को मोबाइल निकाल के बता के उनको सब्सक्राइब करा दो। जब भी कोई वीडियो कुछ बढ़िया चीज़ उस पर जाएगा उनको सूचना मिलती रहेगा, जिससे ये अधिक से अधिक लोग तक गुरुदेव के ये विचार फैल सकेंगे। आप तो ठीक है साप्ताहिक सुन लेते हो, लेकिन जो नहीं सुन पाते हैं उन तक कैसे हम पहुँच पाएँ, इसके लिए इस वीडियो चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए, इसका एक अभियान चला लीजिए। ये भगवान का अभियान समझ के, जैसे आप झोला पुस्तकालय चलाते हैं, अखंड ज्योति का सदस्यता चलाते हैं, आप एक अभियान चला दीजिए कि एक एक भाई, जितने लोग अभी सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पांच पांच लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। इससे अधिक से अधिक लोग गुरुदेव के विचार से जुड़ सकेंगे। आने वाले समय में आप ये समझ लें, गायत्री मंत्र जो सूर्य की उपासना का मंत्र है, ये पूरी दुनिया का महामंत्र होने वाला है, पूरे विश्व इसको अपनाने वाला है, उसी तरह अपनाने वाला है जैसे अभी देख लो पूरी दुनिया में। अभी कल परसों की घटना है, जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपति आपस में मिलते हैं तो हाथ नहीं मिला के इंडियन कल्चर को नमस्ते करते हैं। किसी जमाने में नमस्ते सिर्फ भारत की चीज़ें थी और भारत के लोग अगर नमस्ते करते थे तो पश्चिम के देश और अपने यहाँ के लोग भी हाथ मिलाते थे। आज क्या हुआ, समय ने ऐसा परिवर्तन कर दिया, जो बड़े हाई फाई लोग थे, पश्चिम के लोग थे, वो भी अब नमस्ते करते हैं। आने वाले समय में गायत्री मंत्र, ध्यान, ये सब चीज़ कॉमन मिनिमम होने वाला है, इसको किसी धर्म से देख के नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र का बेस साइंटिफिक बेस है और गायत्री मंत्र लोगों के विचार को शुद्ध करता है, लोगों को अच्छा बनाता है, इसलिए गायत्री मंत्र पूरे विश्व का मंत्र बनने वाला है। तो आप सब लोग इसका ख्याल रखें और कभी विचलित ना हो। विचलन की स्थिति जब कभी आए, आपको जब लगे कि हम विचलित हो रहे हैं, तो आप कुछ अच्छे साहित्य को पढ़ो, संगीत को पढ़ो। YouTube पर हम लोगों के बहुत सारे YouTube पर स्पीच हैं, शांति कुंज का बहुत सारा स्पीच है, चिन्मय पांड्या जी, प्रणव पांड्या जी का बहुत सारा स्पीच है, आप उनका उपयोग करो और उनको आप देखो, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपको एक दिशा मिलेगा। तो आप
विश्वास पूर्वक जहां भी है, घबराने की बात नहीं है। समय आया है, मैं फिर वही बात कहूंगा, आया है चला जाएगा, कोई चीज परमानेंट नहीं होता है। रात है तो सवेरा भी है और सवेरा है तो रात भी। अब नहीं साहब अब तो रात हो गया अब क्या करें, अरे भैया तो सवेरा हो जाएगा ना। प्रकृति में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं आता है, बाढ़ आया तो बाढ़ चला भी गया। कोरोना आया है पूरी दुनिया के लिए आया है, हमको आपको हो सकता है सुधारने के लिए आया। वैसे तो हम लोग नहीं सुधरने वाले थे, नहीं साहब हम तो ऐसे ही करेंगे। अब अच्छे अच्छे लोगों को देख रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नमस्ते हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें परेशान करती है, आप ये मान के चलो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ ही छिपा होता है, हम नहीं देख पाएँ ये बात अलग है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, घर पर भी रहिए तो मुस्कुराते रहिए। हो सकता है अगल बगल जो आपके दलान पर बैठा हो आपको मुस्कुराता देख के कहेगा लगता है कुछ ये कोरोना काल में ढीला हो गया। कोई बात नहीं, उनको सोचने तो उनका सोच, उनको मुबारक हो, लेकिन हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, हमेशा पॉजिटिविटी से अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी लाते रहें। कोरोना काल में घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, या गमछा घर में है तो, गांव में है तो गमछा का प्रयोग करें, नाक पर सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और आप मेधा चूर्ण अभियोगन चूर्ण यूज कर रहे हो वो करते रहो। काढ़ा एक टाइम जरूर कोशिश करो काढ़ा पीने का, गिलोय है, दालचीनी है, हल्दी है, इन चीज़ों का ये लाभ आपको मिलता रहेगा। अब बहुत निकट समय है, जैसा कि हम लोग भी देख पा रहे हैं कि अब ये अंतिम समय का मामला है, और जो आप जानते ही हो कोई चीज़ जब अंतिम समय में आता है वो बढ़ जाता है, तो कोरोना भी अपने अंतिम चरण में अब चल रहा है। लेकिन सावधानी हमें रखनी है, अंतिम समय में भी वो हमला कर देता है, सावधानी रखनी है, और अपने आप को प्रसन्न कितना आप रख सकते हो इन चीज़ों का आप करना, चिंतित नहीं होना। एक बार हमारे साथ जो जहाँ हो थोड़ा मुस्कुरा लो भाई, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगल बगल वाला देखेगा कि मोबाइल देखते देखते हंसने क्यों लगा, इसलिए आप हंस लो, उसको भी पता चले कि कुछ विशेष है जरूरी, फिर पूछेगा कि क्या देख के हंस रहे थे। कोई वीडियो हमारा वाला सुना देना और भाई वाला सुना देना, उसको समझ में आ जाएगा अच्छा हाँ हाँ आप समझ में आया जो सही चीज़ क्या है। चलो आप सबको बारम्बार बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, आप सब प्रसन्न रहो, खुश रहो। हर रविवार को हम लोग यही कोशिश करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर आप कराना लोगों से, एक एक लोग संकल्प ले लो, पांच पांच लोगों को इस चैनल PYP के चैनल को सब्सक्राइब करके, जो अधिक से अधिक लोग के बीच हम लोग पहुंच सकें, ये अभी इसी टेक्नोलॉजी से संभव है, ये अभियान भी आप चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।